हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आई असेसमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। जो साइंस में हम लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे, टोटल 20 एमसीक्यूज़ होगा। जो साइंस में हम लोग तीनों सब्जेक्ट का करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। चलिए हम लोग एक एक एमसीक्यूज़ को देखते हैं। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सेकंड है नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन फोर्थ है क्या क्लोरीन गैस। तो इसमें जो सभी अम्ल जो होते हैं धातु से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, वो निकालते हैं आपके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या सही है, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है कि विद्युत रोधक है, एक कुचालक है कि चालक है? जो सिलिकॉन होता है क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है, वो होता है आपका अर्धचालक होता है। इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या है, फर्स्ट सही है, सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या होता है, अग्नाशय होता है, क्या अमाशय होता है, क्या आँत होता है कि मस्तिष्क होता है? तो इसमें ऑप्शन हम लोग का थर्ड सही है, ये आँत होता है। क्या टाइफाइड से जो शरीर में अंग जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, आँत होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है आर्कियोटेरिस, आर्कियोपटेरिस है क्या है, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है कि जुरैसिक काल का सरीसृप है, कटाई टाई एसिड काल का सरीसृप है, कटाई एसिड तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो इसमें क्या है, ये हम इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल है क्या है, लेलिएसी है कि सोलेनेशी है कि कुकुर बीटेसी है कि कंपोजिटी है? सबसे बड़ा कुल क्या है, सबसे बड़ा कुल क्या है, वो है कंपोजिटी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, जो सबसे बड़ा कुल होता है वो क्या होता है, कंपोजिटी होता है, कंपोजिटी होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पाद में किस प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पाद में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? जो हम लोग का कैटलिस्ट होता है उसमें क्या होता है, हैवर विधि में लोहा होता है कि प्लैटिनम होता है कि निकेल होता है कि एलुमिनिया होता है, एलुमिना होता है, क्या होता है हम लोग का, इसमें होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसमें क्या होता है हम लोग का लोहा होता है। ठीक है, इसमें लोहा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कहाँ होती है, जबड़े में होती है कि सॉरी जांग में होती है, जबड़े में होती है कि जुबा में होती है कि गर्दन में होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, जबड़े में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जबड़े में होती है। सबसे मजबूत अस्थि कहाँ होती है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि चाहे मजबूत अस्थि कहाँ होती है, जबड़े में होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्यों? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्यों? ऊंचाई से दाब, सॉरी इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है? तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, करेक्ट होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन थे, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुख के समीप रखता है क्यों? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा जो हथेली होता है मुंह के समीप क्यों रखता है? ऑप्शन फर्स्ट है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में एक इगित होती है, प्रगति होती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है, ध्वनि की ध्वनि
पूर्णता बढ़ती है कि ध्वनि स्वर का उतार होता है, चढ़ाव बढ़ जाता है। अच्छा है, ऑप्शन फोर्थ है, इसी कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, उस ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। उस स्थिति में क्या होता है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इगित होगी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल के अंदर पड़ी मछली किस कारण, ठीक है, अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। प्रकाश के विवरण के कारण, के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, के प्रकाश के ध्वरण के कारण, के प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सेकेंड सही है, क्या रहेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जल में मछली थोड़ा वास्तविक गहराई से उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर कुछ उठी हुई दिखाई देती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके वातावरण के आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, कि परजीवी विज्ञान बोलते हैं, कि जंतु भूगोल बोलते हैं, कि आनुवंशिकी बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं हम लोग क्या, पारिस्थितिकी बोलते हैं। ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट सही है, पारिस्थितिकी बोलते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं किस कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं किस कारण, परासरण के कारण, के अंतर शोषण के कारण, के जलीय अपघटन के कारण, के जीव द्रव्य कुंसन के कारण। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सेकंड सही है, ऑप्शन हम लोग का सेकंड सही है, अंतर शोषण के कारण क्या होता है, बीज फूलते हैं सब जल में रखे जाते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2,4-D है, 2,4-D है क्या है, 2,4-D क्या है, कीटनाशक है, कि विस्फोटक है, कि कवक नाशक है, कि खरपतवार नाशी है, क्या है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, खरपतवार नाशी होता है। 2,4-D क्या होता है, खरपतवार नाशी होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, इसमें लाइमन ऑफ सोडा होता है, कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, कि जिप्सम होता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्या है, डॉक्टर और चित्रकार जो होते हैं शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग होने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है क्या है, CH3OH है, कि C2S5OH है, कि C3H7OH है, कि C4H10OH है। तो क्या होता है, जो मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3OH होता है। ठीक है, CH3OH होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति की तुलना में क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। ठीक है, कि अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन इसमें सेकंड सही रहेगा। ठीक है, एक गोरी व्यक्ति वाला त्वचा की तुलना में क्या होगा, जो कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है, 1000 बाइट के, कि 1024 बाइट के, कि 1000 10000 बाइट के,
के 1 लाख बाइट के। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, जो 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है, एक जो किलोबाइट होता है वो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आँखों में संकेंद्रक होता है, आँखों में संकेंद्रण होता है, कहाँ होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है, कि लेंस के आगे पीछे की गति द्वारा होता है, कि रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा होता है, कि आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, रेटिना की आगे और पीछे की गति के द्वारा होता है, पीछे गति के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का थर्ड सही है, ठीक है, ऑप्शन इसमें हम लोग का थर्ड सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, कि परिवर्तन होता है, कि प्रकीर्णन होता है, कि व्यक्तिकरण होता है, क्या होता है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो क्या होता है, वो होता है हम लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट सही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 है पेट्रोल में होता है कार्बन परमाणु वायु होता है, कि उदर्जन परमाणु वायु होता है, कि नत्रजन परमाणु प्राणवायु होता है, कि कार्बन उदर्जन होता है, क्या होता है, पेट्रोल में होता है क्या होता है, कार्बन प्राणवायु होता है, प्राणवायु होता है, कि उदर्जन प्राणवायु होता है, कि नत्रजन प्राणवायु होता है, कि कार्बन उदर्जन होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का फोर्थ सही है, कार्बन उद्दर्शन होता है। ऐसा हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।